आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बुद्ध स्टैचू, बेसिकली जो है ना ये जापान यहाँ पे जो है ये बनवाया है इसको। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना ये थाई टेम्पल है। वो जो आप देखे थे वो बांग्लादेश का मोनेस्ट्री था, वो मतलब रेसिडेंस एरिया था, तो वहाँ पे अंदर जाने की परमिशन नहीं है। मेन जो आपका बांग्लादेश का जो टेंपल है ना ये है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बांग्लादेश का। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना ये थाई टेम्पल है, ठीक है, यहाँ पे थाई मोनेस्ट्री ये है। लेकिन अभी कोरोना के चलते ना काफ़ी सारे मोनेस्ट्री बंद है यहाँ पे, अंदर में सिर्फ आपको ये एक मोनेस्ट्री है, और अभी काफ़ी जितने सारे भी मोनेस्ट्री है ज़्यादातर अभी बंद पड़ा हुआ है कोरोना के चलते। लेकिन अभी जैसे जैसे टूरिज्म स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे मतलब अभी लोग आएंगे ना बुद्धिस्ट सेक्टर के, तो अभी सब ये सब चालू हो जाएगा धीरे धीरे। जो अभी फ्लाइट फ्लाइट भी बंद है अभी कोरोना के चलते, तो अब धीरे धीरे फ्लाइट भी स्टार्ट हुई है, तो अब ये सब चालू हो जाएगा। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये थाई मंदिर है। ये जो आप देख रहे हैं ना ये बुद्ध भगवान की प्रतिमा है, और यहाँ पे ऑल इंडिया भिक्षु संघ करके संस्था शायद अंदर रेसिडेंस है या कुछ है ऐसा, तो उनके ही आगे ये स्टैचू बनाया गया है इनका, मूर्ति बुद्ध भगवान का। ये जो आप अभी मेरे पीछे देख रहे हैं ना ये मंगोलियन टेंपल है, लिखा हुआ भी है मंगोलियन टेंपल। अभी ज़्यादातर यहाँ पे जो नए नए टेंपल भी बहुत सारे बन रहे, तो अभी ये सब बंद पड़े हुए हैं, शायद कोरोना के चलते बंद है। लेकिन अभी तो केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं, तो जैसे जैसे अभी फ्लाइट स्टार्ट होगी ना धीरे धीरे, तो ये सब भी अब ओपन हो जाएगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कर्मा टेम्पल, ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये कर्मा टेम्पल है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कर्मा टेम्पल है, इसको तिब्बतियन टेम्पल भी कहते हैं यहाँ पे। और अंदर में जो बुद्ध भगवान की मूर्ति है ना वो पूरे सोने की मूर्ति अंदर में है। यहाँ पे मोनेस्ट्री बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी मोनेस्ट्री से। अभी इसके बाद 80 फीट बुद्ध का जो स्टैचू है वहाँ चल रहे हैं अब। ये सब यहाँ पे मार्केट है, ये सब निशानी यहाँ से आप ले जा सकते हैं, ये बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ, ये माला, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप ये सब लेके खरीद के जा सकते हैं यहाँ से निशानी के तौर पे। दो मंदिर एक दो हमारे
ये सब शायद महाराष्ट्र के ग्रुप आए हुए हैं। अभी मैं आया हूँ 80 फीट जो बुद्धा स्टैचू है बोधगया में वहाँ पे, और अभी दिखाता हूँ आपको। ये भी एक यहाँ का बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पे एक आपको टूरिस्ट स्पॉट है। ये बुद्ध भगवान के शिष्य, पांच इधर दोनों तरफ पांच पांच 10 शिष्यों का भी यहाँ पे आनंदा, जो कि सबसे प्रिय था, जो बुद्ध भगवान के जो सबसे प्रिय शिष्य थे उनका यहाँ पे आनंदा। फिर ये सारिपुता, ये पुन्ना, महाकन्ना, राहुला, ये सुभूति, सब इनके शिष्य थे, बुद्ध भगवान के सब शिष्य थे। शिवपाली, महाकसप्पा, उनका स्टैचू, ये महामोगल्लाना, और ये अनिरुद्धा। ये 80 फीट बुद्धा जो कि जापान के द्वारा बनाया गया है यहाँ पे बोधगया में, और उनके साथ ही यहाँ पे उनके जो 10 शिष्य हैं उनकी प्रतिमाएं भी बनाई गई है उनके साइड साइड में। और मेन जो यहाँ का बात है वही है कि जो ऊंचाई है वो 80 फीट है, तो ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे बोधगया में। आपको महाबोधि टेम्पल से 100 मीटर की दूरी पर ये आपका है, आप जो बुद्धा स्टैचू 80 फीट का वो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, आप वॉक करके सीधा आ सकते हैं। इसका बेसिकली जो है ना, ये जापान यहाँ पे जो है ये बनवाया है इसको। जो जो बुद्धिस्ट सेक्टर का जो जो कंट्री है ना, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे अपना योगदान दिया है, यहाँ पे अपना कुछ ना कुछ एक बनाया है, या मॉनेस्ट्री हो या फिर आपका कुछ स्टैचू हो इस तरीके का। थाई हो गया, थाईलैंड, और जापानीज़, चाइनीज़, भूटानीज़, भूटान के लोग, मतलब सब जो ये सब कंट्री है ना, ये सब अपने अपने में कुछ कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए हैं। जैसे कि थाई के राजा ने 290 किलो का वो जो सोने का जो कलश था वो महाबोधि टेंपल में लगवाया। ये था 80 फीट बुद्धा स्टैचू का टूर। बाकी यहाँ पे बाहर जैसे ही निकलेंगे आपको मार्केट दिखेगा, छोटा सा ये मार्केट है, आप यहाँ से सोविनियर खरीद सकते हैं, कुछ निशानी यहाँ से लेके जा सकते हैं। फिलहाल तो अभी मैं आ गया हूँ जापानीज़ टेंपल के पास। ये जो आप देख रहे हैं जापानीज़ मॉनेस्ट्री है मेरे पीछे, अभी इसके अंदर चलते हैं। ये जस्ट आपका 80 फीट जो बुद्धा है ना उसके पास ही है, और ये जापान ने बनवाया था यहाँ पे 80 फीट का जो बुद्धा है वो भी जापान ने बनाया है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। आप आएंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के। यहाँ पे पूरा का पूरा बोधगया बुद्धिस्ट सेक्टर से भरा पड़ा है। अगर बुद्धिज़्म का आपको नॉलेज चाहिए, बुद्धिज़्म के बारे में कुछ भी जानना है, बोधगया आइए, आपको एक एक बारीकी से आप देखेंगे, मतलब एकदम डीप में जाके आपको पता चलेगा बुद्धिज़्म के बारे में। और ये जापानीज़ मॉनेस्ट्री, अभी टेंपल के अंदर चलते हैं। आप देख रहे हो मेरे पीछे जापानीज़ मॉनेस्ट्री, ये भगवान बुद्ध की स्टैचू यहाँ पे है, भगवान बुद्ध की जो मूर्ति लगी हुई है पीछे।
ये पूरा आप देखेंगे जापानीज स्ट्रक्चर में पूरा बना हुआ है ये टेम्पल। ये रॉयल भूटानीज मॉनेस्ट्री, आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर बनाई हुई है यहाँ पे, कारीगरी आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। पूरा का पूरा ये भूटानीज स्ट्रक्चर पे बनाया हुआ है। ये आप जो देख रहे हैं ये भूटान के राजा, उनके राजा का फोटो लगा हुआ है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे थे ये था भूटानीज मॉनेस्ट्री, भूटान के राजा के, जहाँ पे फोटो भी अंदर में लगा था। तो जैसा आपको पता है भूटान भी एक बुद्धिस्ट कंट्री है, तो बहुत ही यहाँ का जो आर्किटेक्चर, जो अंदर का जो आपका स्कल्पचर सब बना हुआ था बहुत ही सुंदर था, मतलब पूरा भूटानीज कल्चर को दर्शा रहा था अंदर में। अब चल रहे हैं हम लोग रेस्टोरेंट में, कुछ खाना वाना खाएँगे, कहीं देखते हैं खाना खाने के लिए कोई होटल वोटल मिले तो सामने, क्योंकि अब भूख लगी है। अभी ये तिरुपति करके यहीं चलते हैं, देखते हैं ये सब रेस्टोरेंट है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है तिरुपति नाम से, तो वहाँ पे भी आया हूँ और यहाँ पे भी खाना ऑर्डर किया है। मैंने लिया है ये देख सकते स्पेशल थाली, जनरल थाली 130 रुपए का, आपका स्पेशल थाली 180 का, और साउथ इंडियन थाली 140, और सांभर राइस है। जनरल जो आपका थाली आता है उसमें सांभर राइस है 140 का। ये देखो ये रायता है, मिल्क बटर बोलते हैं इसको, मिल्क बटर ये है, ये शायद राजमा है, ये मिक्स वेज एक, यहाँ पे सलाद, दाल, चावल और यहाँ पापड़ है और रोटी है, दो तंदूरी रोटी है और एक पापड़ है। और ये जनरल थाली मैंने मंगवाया और इसका पड़ा मुझे 130 रुपये। अब टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है, खाना टेस्टी है। जनरल थाली मैंने ऑर्डर किया था 130 रुपए का, उसमें दो तंदूरी रोटी आया, एक पापड़, चावल, सलाद और मिक्स वेज, राजमा और दाल,
साथ में आपको बटर मिल्क मिलता है जिसको छाछ भी लोग बोलते हैं, वो है, और अचार मिलता है आपको।